नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गाडरवाला केपीजी कॉलेज में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक आयोजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आरटीओ विभाग द्वारा कॉलेज में शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें अनेक बच्चों ने ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवाए। सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक मेगा कैंप गाडरवारा के पीजी कॉलेज में, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर किया था और मुझे खुशी है कि सैकड़ों की संख्या ने बच्चों में उसमें भागीदारी करी और एक सप्ताह चलने वाले इस कैंप में बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही उनके लर्निंग लाइसेंस आदि बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। सड़क सप्ताह सुरक्षा कार्यक्रम का क्या है ये पूरा कार्यक्रम? ये सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी 2024 के मध्य मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो युवा वर्ग है और सभी सामान्य नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पीजी कॉलेज गाडरवारा में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया है। क्या शुल्क रहेंगे इसकी, क्या लोगों के मन में? ये महिलाओं के लिए निःशुल्क है और जो छात्र हैं या जो पुरुष हैं उनके लिए जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उस कैटेगरी वाइज शुल्क वो ऑनलाइन जमा करना है। आज प्रतिदिन, मतलब आज ही रहेगा कि 7 दिन? नहीं, ये अलग अलग जगह पर है। यदि कोशिश है कि आज शाम तक ये शिविर में जितने बच्चे हैं सभी के लाइसेंस बना दिए। महिलाओं का जो लाइसेंस फ्री की बात है वो यहाँ भी रहता है कि वहाँ भी चलता है? सड़क नहीं, आपको पूरे समय रहता है, वहाँ भी निःशुल्क बनता है। निःशुल्क। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।